देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच, हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज, आप तक आपकी आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा, शारिक हुसैन की खास खबर पर एक नजर। रिपोर्टर से अभद्र व्यवहार एवं जान से मारने की मिली धमकी। इलाहाबाद केकेडी न्यूज के रिपोर्टर अमरजीत यादव जब सौदाबाद ब्लॉक में पहुंचे, राजवित्त और 14वें वित्त में कराए गए संपूर्ण विकास कार्यों की जानकारी लेने एडीओ पंचायत सौदाबाद से बात करने लगे, तो बगल में खड़े दिव्यांशु तिवारी एडीओ पंचायत समाज कल्याण ने रिपोर्टर से कहा कि मैं तुमको कोई भी जानकारी नहीं दूंगा, तुम कौन होते हो? और जानकारी लेने वाले रिपोर्टर ने कहा कि मैं इस भारत का देश का चौथा स्तंभ हूं, मुझे पूरा अधिकार है विकास कार्यों का जानकारी लेने का के लिए। इस पर दिव्यांशु ने कहा कि कोई भी हो, मैं तुमको कोई भी जानकारी नहीं दूंगा। साथ ही वह यहां तक कह दिया कि कोई भी चैनल हो या कोई भी पत्रकार हो, चैनल को लंका लगाने की बात भी कही और रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी दी और रिपोर्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस मुद्दे पर आदर्श पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष प्रदेश प्रवक्ता ने बहुत बड़ी निंदा करते हुए कहा कि पत्रकार की कलम को दबाया जा रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा संगठन इस पर उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है, ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए। रिपोर्टर के साथ की गई अभद्र व्यवहार पर भारतीय पत्रकार संघ के तहसील महामंत्री हरीश शंकर पटेल ने भी घोर निंदा की है। साथ ही कहा कि अगर उस अधिकारी पर ठोस कदम प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया गया तो हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे। मारने की धमकी भी दिए हैं, बोले मेरी लिंक, अभी देखिए प्रमुख जी के अभी फोन आया था आपके सामने, आपने बात किया था जी। सर ने बात किया है, बता रहे हैं सर इनकी बड़ी बहुत बड़ी लिंक है, मतलब लिंक के जरिए काम करते हैं, ये कोई भी चीज का ब्यौरा नहीं देना चाहते। जब पत्रकार के सामने ऐसा हो, इनके बहुत खास हैं, हो सकता है हमारे जान का खतरा भी हो सकता है। ये महोदय जी जो तिवारी जी हमें बार बार धमकी भी दे रहे हैं, इसलिए मैं चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं सभी पत्रकार भाइयों से और सरकार की जनता से कि पत्रकार को न्याय दिलाए। और हम यही सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि सभी पत्रकार भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो पत्रकार के साथ अभद्रता किया जा रहा है, इसके बारे में आप लोग सोचें और इनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई कराएं, उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाए। मैं सरकार से केकेडी न्यूज चैनल से संवाददाता गंगा पार इलाहाबाद। आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार।